बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साचू, कल की चर्चा में हमने सुना कि किस प्रकार श्री देवचंद्र जी भागवत सुनते हैं। 14 वर्षों तक भागवत सुनने के अंतराल में उन्हें कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार दृढ़ता पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, निरंतर रूप से वे भागवत सुनते हैं। इस बीच में जामनगर के जो सेठ साहूकार हैं, अपनी ईर्ष्या भावना की वजह से कैसे देवचंद्र जी की निंदा करते हैं, एकादशी का उपवास क्यों रखा जाता है, व्रत और उपवास में क्या अंतर है, और फिर देवचंद्र जी को 14 वर्ष के पश्चात जो उनकी कसौटी अथवा कसनी अथवा परीक्षा हुई थी, इन सब का वर्णन हमने सुना। अब आगे महामति श्री लालदास जी कहते हैं, दिन 10-15 हुए कथा सुनत है कान, तहां आए दीदार दिया तुमको मेरी पहचान। अब ज्वर उतरने के बाद, रोग ठीक होने के पश्चात 10-15 दिन हो गए थे कथा सुनते सुनते, तो वहां पर आकर परब्रह्म अक्षरातीत श्रीराज जी ने श्री देवचंद्र जी को दर्शन दिया और दर्शन देकर के पूछा, क्या कहा, तुमको मेरी पहचान, तुम्हें मेरी कितनी पहचान है, जिस स्वरूप ने दर्शन दिया है वो कैसा है। श्री लालदास जी कह रहे हैं, वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, देख श्री देवचंद्र जी ने कहया जैसी गवाही दई मन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यार। वह अर्थात अवस्था, कैसी अवस्था थी, किशोर, अत्यंत सुंदर, और जिस स्वरूप ने वृंदावन में लीला की थी, अर्थात जिस स्वरूप ने रास की लीला की थी, जिसे देख करके देवचंद्र जी कहते हैं कि जैसे उनके मन ने गवाही दी थी, जैसा उनको लगा, जैसा उन्हें आभास हुआ, उस अनुरूप उन्होंने कहा कि तुम हमारे खावंद, एता जानत हैं हम बस इतना जानते हैं कि आप हमारी प्राण के प्रियतम है, आप हमारे खाविंद है, आप हमारे स्वामी हैं। अब राजी ने कहा कि आपको पहचानत हो, कौन कहां से आए तुमने मुझे तो पहचाना कि मैं तुम्हारी आत्मा का प्रियतम हूं, पर क्या तुम स्वयं को पहचानते हो, क्योंकि जिस प्रश्न के खोज में देवचंद्र जी निकले थे, उनमें पहला प्रश्न तो स्वयं की पहचान थी, है ना, कि मैं कौन, कहां से आया। तो राजी ने कहा कि क्या तुम स्वयं की पहचान करते हो कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। तो कहते हैं, इतना हम जानत हैं जो धनी हमारे तुम, मैं उतना ही जानता हूं कि आप हमारे प्राणपति हैं, आप हमारे आत्मा के प्रियतम हैं। तो राजी ने कहा कि यदि तुम इतना ही जानते हो तो मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम कौन हो। नाम तुम्हारा बाई सुंदर, खेले तुम ब्रज रास में, तुम्हारा नाम सुंदर बाई है, तुम परम धाम की श्यामा जी हो, तुमने ही ब्रज में और रास में लीला की, दोनों लीला के पश्चात भी
जब मनोरथ मन की इच्छा पूरी नहीं हुई तो मनोरथ पूरे ना हुए ये तीसरा हुआ इनसे। मन की इच्छा पूर्ण न होने पर, मन की इच्छा अर्थात खेल देखने की इच्छा, माया का दुख का खेल देखने की इच्छा पूरी न होने के कारण ये तीसरा ब्रह्मांड हुआ। और यहाँ पर तुम अकेले नहीं आए हो, तुम्हारी तरह और सभी ब्रह्म सृष्टियाँ आई हैं जिन्हें बुला करके अब सब साथ बुलाए के आओ अपने धाम, धनी वे साथ कहाँ है कह्या मैं भेजो तमाम। खिलवत की वाणी में इस प्रसंग को ऐसे कहा गया कि ल्याओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहें मेरी आशिक रब्द किया प्यार वास्ते कहियो कहलाया है। श्यामा जी को कह रहे हैं कि जो ब्रह्मात्माएं मेरी प्रियतमा होने का, मेरी आशिक होने का दावा करती थी, जिन्होंने उसी आशिकी के दावे के लिए रब्द किया था कि हमारा प्रेम बड़ा है और हम इस माया के खेल में जा कर के आपको नहीं भूलेंगे, वे ब्रह्मात्माएं माया में आकर के भूल गई हैं। और भूली भी कैसे कि ब्रज में माया देखा, इच्छा पूर्ति नहीं हुई, रास के बाद मनोरथ अधूरी रह गई, तो अब माया का खेल ऐसे देखना था, ऐसा दुख देखना था कि दोबारा इच्छा ना हो। इसीलिए राज्जी ने ऐसी माया रची, ऐसी लीला रची राज्जी के आदेश से कि आज इस कालमाया के ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टियां इतना अधिक बिछुड़ गई हैं एक दूसरे से कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वियोग की जो पराकाष्ठा है, महसूस नहीं हो रहा वो अलग बात है, अनुभव नहीं हो रहा वो अलग बात है, पर वियोग है। वियोग कैसे है? ब्रजमंडल में जब हम आए थे तो एक ही ब्रजमंडल था, अर्थात यूं समझ लीजिए कि एक ही गांव जैसा था जहां पर सभी ब्रह्मात्माएं थी। अब हमें जुदाई का खेल चाहिए था, वियोग का, विछुड़न का। तो अब देखिए ब्रह्म सृष्टियां कहां कहां पर आई है। आप पुराण संहिता पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सुंदर वर्णन मिलेगा कि भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में, एक प्रांत में नहीं तो विभिन्न प्रांतों में ब्रह्म सृष्टियां आई हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सब जगह पर और इससे बाहर भी संपूर्ण भारत खंड में आई हुई है। तो स्थान का वियोग हुआ, स्थान से अलग हुए। उसके बाद और क्या है? पहले सभी गोपियों के तन में आई थी, सभी स्त्री तन में थी। अब इस जागनी के ब्रह्मांड में कोई पुरुष तन में है, कोई स्त्री तन में, और पुराण संहिता में तो यहाँ तक भी लिखा है कि कोई कोई ब्रह्मात्मा तो किन्नरों में भी आई हुई है। इसी तरह से भिन्न भिन्न संप्रदायों में आई है। कई ब्रह्मात्माएं हिंदू तनों में आई हैं, कोई मुस्लिम तनों में आई है, कोई हो सकता है ईसाई तन में आई हो। भिन्न भिन्न प्रकार के वर्णों में आई है, कोई ब्राह्मण में है, क्षत्रिय में है, वैश्य में है, शूद्र में है। भिन्न भिन्न प्रकार की आय की श्रेणी में है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मध्यवर्गीय परिवार है। इस तरह से जुदाई ही जुदाई है। भाषा भी भिन्न भिन्न है। कोई ब्रह्मात्मा जिस तन में आई होगी वो तन, वो जीव इस संसार में हिंदी भाषा बोलता होगा, कोई गुजराती, कोई पंजाबी, कोई नेपाली, कोई आसामीज, कोई बंगाली, कोई अंग्रेजी, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलता होगा। इस तरह से जितनी कैटेगरी में वर्गीकृत किया जा सकता था, जितने वर्गों में बांटा जा सकता था, उन सभी वर्गों में ब्रह्मात्माएं आई हैं। कोई भी ब्रह्मात्मा का जो तन है या कोई भी ब्रह्मात्मा का जो जीव है या उस जीव की पृष्ठभूमि, वो एक दूसरे से शायद ही मिलती होगी। जबकि ब्रजमंडल में कैसा था? लगभग सबका एक ही जैसा था। सभी ग्वाले परिवार में थे,
गोप परिवार में सबका व्यवसाय एक जैसा था, सभी स्त्रियों में थी और सबका प्रेम एक श्री कृष्ण जी से था। आज कोई ब्रह्मात्मा किसी हिंदू तन में आई होगी तो तारतम ज्ञान मिलने से पहले कोई शिव जी की उपासना कर रही होगी, कोई विष्णु भगवान की उपासना कर रही होगी, कोई इंद्रदेव की पूजा कर रही होगी, कोई शनि देव का उपवास रख रही होगी, कोई हनुमान जी के यहाँ जा रही होगी। कोई इस्लाम में आई है यदि तो वो शायद पांच वक्त का नमाज पढ़ रही होगी। तारतम ज्ञान मिलने से पहले क्या पता वो क्या क्या खा रही होगी। इस तरह से भिन्न भिन्न वर्गों में ब्रह्मात्माएं आई हैं, सब ने खेल देखा है, सब खेल देख रहे हैं। तो देवचंद्र जी को कहा गया, देवचंद्र जी के अंदर विराजमान श्यामा जी को, कि उन ब्रह्मात्माओं को उन सबको बुला करके लाना है। देवचंद्र जी कहते हैं कि कैसे लाऊं मैं, कैसे ढूंढने जाऊं, उनकी क्या पहचान है। राज जी कहते हैं कहिया मैं भेजो तमाम, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके पास भेजूंगा और आपको क्या करना है उन्हें मेरे पास लेके आना है। बहाने सब मैं बनाऊंगा, माहौल परिस्थिति सब मैं बनाऊंगा, आपको केवल अपनी पहचान दिला करके ज्ञान से समझा करके मुझ तक लेकर के आना है। और फिर कहते हैं कि जिस भागवत को तुम 14 वर्षों से सुन रहे हो वो भागवत क्या है, ए भागवत कागद तुम्हारा सो तुम्हें खुले कलाम। ये भागवत तुम्हारे लिए पत्र है, चिट्ठी है, और इसके रहस्यों को तुम ही खोल सकते हो, अर्थात तुम अर्थात जिनके पास तारतम्य ज्ञान है वही खोल सकते हो। और जिसमें सबसे पहला तारतम्य ज्ञान श्यामा जी लेकर के आई हैं, तो उससे पहले और कोई खोलने वाला नहीं था भागवत के रहस्यों को। ज्ञान मंजूषा एक छोटी सी पुस्तिका है, स्वामी जी ने लिखी है, उसमें भागवत के 40 प्रश्नों का और उनके उत्तर का वर्णन किया गया है। संसार का कोई भी व्यक्ति जिसके पास तारतम ज्ञान न हो, जिसको ये नहीं पता हो कि कृष्ण जी के एक नाम से तीन भिन्न भिन्न शक्तियों ने लीला की है, वो कोई भी भागवत के उन प्रश्नों का समाधान नहीं कर सकते। उसे चिट्ठी इसीलिए कहा गया, ऐसा समझ लीजिए जैसे कि एक पति अपनी पत्नी को चिट्ठी भेजता है, चिट्ठी में संकेत में बातें लिखी होती है। आजकल तो हाथ हाथ में मोबाइल फोन है, कोई बात करनी होती है तो डायरेक्ट फोन पर बात हो जाती है। पुराना जमाना जब चिट्ठियों का हुआ करता था तो पति पत्नी की जो गुप्त बातें होती थी, लेन देन से संबंधित हो गया या कैसी भी जो गुप्त बातें हो, वो इशारों में होती थी। इशारों में इसलिए क्योंकि चिट्ठी तो कोई भी पढ़ सकता था, है ना, लेकिन इशारा हर कोई नहीं समझ सकता है। इशारा दो ही लोग समझ सकते हैं, या तो जिसने लिखा हो या जिसके लिए लिखा गया हो, वही समझ सकते हैं। तो इसी तरह से भागवत में भी जो बातें इशारों के रूप में लिखी गई है, परब्रह्म के अखंड ब्रज लीला से संबंधित, रास लीला से संबंधित, तो उन संकेतों को हर कोई नहीं खोल सकता। इसलिए कहते हैं ये भागवत कागद तुम्हारा, कहते हैं आगे और कोई ना खोल सके। ये जो खलक आम, जो साधारण जीव है संसार के, उनमें से कोई भी नहीं खोल सकता, न तो भागवत के लिखने वाले खोल सकते हैं, न उसकी कथा करने वाले खोल सकते हैं, कोई नहीं खोल सकता। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि आपको और कुछ पूछना है इन सब के अलावा, तो आप अभी पूछ लो, क्योंकि इससे पहले मैं तुम्हें दो बार दर्शन दे चुका हूँ, ये तीसरी बार है। अब आगे मैं तुम्हारे सामने इस तरह से नहीं आऊँगा, फेर के ऐसी तरह से दृष्ट न आवे हम। तब देवचंद्र जी पूछते हैं कि धनी कहाँ जाओगे तुम, कि आप कहाँ जाएंगे यदि मेरे सामने नहीं आएंगे, मुझे दर्शन नहीं देंगे तो कहाँ जाएंगे। राज जी ने कहा कि तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, मैं जाऊंगा कहीं नहीं, तुम्हारे ही हृदय धाम में विराजमान हो जाऊंगा पर तुम्हें नहीं दिखूंगा। और उसके बाद हुआ भी ऐसा ही, देवचंद्र जी के अलावा सभी लोग देवचंद्र जी के अंदर विराजमान राज जी का अनुभव करते थे, लेकिन देवचंद्र जी को स्वयं नहीं दिखता था। वह स्वयं ब्रह्मात्माओं को आनंद प्रदान करते थे, परमधाम का दर्शन कराते थे, लेकिन स्वयं राज जी को उसके बाद
प्रत्यक्ष नहीं देख पाए हाँ, क्योंकि उनके अंदर ही राज्य विराजमान हो गए। जब देवचंद्र जी ने ये सुना कि वो राज्य मेरे अंदर आकर विराजमान होने वाले हैं, तो कहते हैं तब मोको कहा पूछना, जब आप ही मेरे अंदर आकर विराजमान होने वाले हैं तो फिर मुझे कुछ और पूछने की क्या आवश्यकता है। आज पूरी दुनिया में यदि किसी के भी सामने परमात्मा प्रकट हो जाए और कुछ मांगने को कहे तो क्या मांगेंगे? हम में से हो सकता है कोई धन मांगे कि राजी हमें सबसे अमीर बना दो, हो सकता है कोई बल मांगे कि मुझे सबसे ताकतवर बना दीजिए, हो सकता है कोई ज्ञान अथवा बुद्धि बल मांगे कि राजी मुझे सभी धर्म ग्रंथ याद हो जाए, मुझे बहुत बुद्धिमान बना दीजिए, कोई ये मांग सकता है कि मुझे बहुत अच्छा अच्छी कला दे दीजिए, मेरी कला से सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाएं। लेकिन मांगना क्या है? अगर राज्य से कुछ मांगना है तो वो राज्य को ही मांगना है, राज्य की प्रेम को मांगना है। देवचंद्र जी ने भी कुछ नहीं मांगा, कुछ पूछना है कह रहे नहीं पूछना है, जब आप मेरे अंदर आ रहे हैं तो फिर मुझे और कुछ पूछने की आवश्यकता क्या है। ये बात हम भी समझ जाएं तो हमारे लिए भी अच्छा है कि तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर। राज्य आए तो सब कुछ आ गया। यहाँ तो हम सब सुंदर साथ राज्य से छोटी छोटी बातें मांगते हैं, कभी कभी हमारे पास भी सुंदर साथ आते हैं और बोलते हैं महाराज जी राज्य से प्रार्थना कर दीजिए, मेरे बेटे की जॉब इंटरव्यू है उसका सिलेक्शन हो जाए, कोई कहता है कि अच्छी शादी हो जाए, कोई कहता है कि बहू अच्छी मिल जाए, कोई कहता है एग्जाम में पास करवा दीजिए, कोई कहता है कि कुछ और। तो इस तरह से सबकी अलग अलग तरह की डिमांड होती है राज्य से, लेकिन जो बुद्धिमत्ता स्त्री होती है वो क्या करती है, अपने पति से इतना प्रेम करती है कि पति उसके लिए सब कुछ कर लेता है, और जो मूर्ख स्त्री होती है वो पति से बाकी सब चीज़ों का डिमांड करती है, पति से प्रेम नहीं मांगती है। तो इसका परिणाम क्या होता है कि कुछ समय तक तो पति हो सकता है कि उस संबंध के वशीभूत होकर के करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो इन सब से उबने लगता है कि कहाँ तो इसे मुझसे प्रेम मांगना चाहिए था और कहाँ ये दुनिया की ही चीज़ें मांगती रहती है। जबकि प्रेम यदि मांगते हैं तो प्रेम के साथ में सब कुछ आ जाता है। जब इस संसार में भी कोई प्रेमी या पति अपनी पत्नी या प्रेमिका से प्रेम करता है तो वो सारे एफर्ट करता है, सारे प्रयास करता है अपने प्रियतम को, अपने प्रेमिका को या पत्नी को रिझाने के लिए। तो राज्य का तो कार्य ही ब्रह्मात्माओं को प्रेम करना है। हम कहते हैं हक को काम और कछु नहीं, देवे रूहो लाड़ लज्जत। तो राज्य से हमें केवल राज्य को मांगना चाहिए, बाकी दुनिया की चीज़ें नहीं। हाँ, यदि कभी आवश्यकता पड़े तो आप दूसरे के लिए प्रार्थना कर लीजिए, दूसरे के दुख को देख करके हो सकता है कि आप उसके दुख हरण में प्रार्थना करें, तो आप सच्चे दिल से प्रार्थना करें निस्वार्थ भाव से, वो अर्जी आपकी पहुंचेगी। लेकिन इसके अलावा आप दुनिया भी इच्छा करोगे राज्य से तो वो इच्छा राज्य पूरी नहीं करेंगे, वो तो कर्मों के फल के अनुरूप ही आपको मिलने वाली है। तो देवचंद्र जी ने कहा तब मोको कहा पूछना, अब मुझे कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप मेरे अंदर आकर विराजमान होने वाले हैं। तो ये जितनी बातचीत हुई देवचंद्र जी और राज्य के बीच में, इसको क्या कहा गया, एक है तारतम बीज वचन। चौपाई कहती है तब मोको कहा पूछना, एक है तारतम बीज वचन। ये जो बातचीत हुई राज्य और श्यामा जी के बीच में, इस बातचीत को तारतम का बीज कहा गया। अब जब ये तारतम का बीज शब्द पढ़ते हैं सुंदर साहब, तो विद्वानों का एक वर्ग है हमारे समाज में जो इसका इस प्रकार से अर्थ लगाता है कि श्याम जी के मंदिर में दर्शन दे करके श्री कृष्ण परमात्मा ने देवचंद्र जी को बीज मंत्र दिया, बीज मंत्र प्रदान किया। यहाँ कहीं पर बीज मंत्र नहीं कहा है। तारतम की जो पहली चौपाई है कि निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, तो इसको मंत्र जो है वो हरिद्वार पहुंचने के बाद कहा गया है, तारतम की चौपाई को या तारतम को।
और ये जो बातचीत हुई तो राज जी ने देवचंद्र जी को तारतम नहीं दिया, मंदिर में श्याम जी के मंदिर में तारतम मंत्र नहीं दिया। जो बातचीत हुई वो बातचीत तारतम के बीज कहा गया है। जब घर पहुंचते हैं देवचंद्र जी, घर पे जाकर जब इस विषय में चिंतन कर रहे होते हैं तो वहां पर पहली चौपाई देवचंद्र जी के माध्यम से प्रकट होती है और क्या कहते हैं कि निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत सो तो अब जाहिर भय सब विध वतन सहित। इसका अर्थ क्या है? निज नाम, निज अर्थात स्वयं का, नाम अर्थात पहचान। तो स्वयं की जो पहचान है, परमात्मा की स्वयं की पहचान जो कि श्री कृष्ण के रूप में था, कहाँ? ब्रज और रास में। तो वो परमात्मा अब जाहिर हो चुका है। सो तो अब जाहिर भय, कौन कह रहा है? राज जी कहते तो सो तो अब जाहिर भय कहते। यहां बात प्रथम पुरुष में हो रहा है, अंग्रेजी व्याकरण के हिसाब से थर्ड पर्सन में। संस्कृत व्याकरण में इसको उल्टा चलता है, संस्कृत व्याकरण में इसको प्रथम पुरुष कहा जाएगा। कहने वाले यहां पर देवचंद्र जी हैं और राज्य के लिए कह रहे सो तो, सो तो मतलब वह तो। राज्य कहते तो क्या बोलते हैं? मैं तो अब जाहिर हुआ, ऐसा होना चाहिए था अगर राज्य कह रहे होते तो। इसका मतलब कहने वाली हैं श्यामा जी। तो श्यामा जी के माध्यम से ये चौपाई अवतरित हुई कि जिस परमात्मा की पहचान, जिस अक्षरातीत की पहचान, क्योंकि अनादि अक्षरातीत है ना, जो परब्रह्म अनादि है, अक्षर से परे है, और जिसकी पहचान ब्रज और रास में श्री कृष्ण जी के रूप में था, वो परमात्मा अब जाहिर हो चुका है अपने सब विध वतन सहित, अपने धाम के सभी नियामतों के सभी खजानों के साथ, और वो खजाना है तारतम्य ज्ञान रूपी। तो ये है बीज वचन, बीज मंत्र। ऐसा शब्द तो पूरी वाणी, पूरी बीतक में कहीं पर भी नहीं आया है। यहाँ बीज वचन शब्द आया है और हरिद्वार के प्रसंग में मंत्र तारतम सोए कहा गया है। तो कुनबा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जब हम सेवा पूजा करते हैं तो सेवा पूजा की एक चौपाई आती है कि तारतम को तत्व कहियो हृदय बैठ स्वरूप, कहते हैं कि नहीं कहते? तो वहां क्या ये कहा है कि तारतम मंत्र कहो, तत्व ज्ञान दिया। तत्व ज्ञान अलग है, मंत्र अलग है। जो राजी ने श्यामा जी अथवा देवचंद्र जी को पहचान दी वो पहचान तत्व ज्ञान है, जो कि चौपाई के रूप में बाद में घर पहुंचने के बाद अवतरित हुई है श्री देवचंद्र जी के द्वारा, श्यामा जी माध्यम है इसमें कहने में। तो इसीलिए इसका ये अर्थ हमें ये नहीं करना चाहिए कि श्री कृष्ण परमात्मा ने देवचंद्र जी को दर्शन देकर के अपना कहा कि मेरा नाम श्री कृष्ण है। यदि श्री कृष्ण जी कह रहे होते तो मैं तो अब जाहिर भया होना चाहिए था। अब यहाँ एक और प्रश्न होता है आज के प्रसंग की पहली चौपाई के आधार पर, कि चौपाई कहती है वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, वृंदावन में खेलने वाले स्वरूप ने दर्शन दिया। किसने? कृष्ण जी ने दर्शन दिया। एक तरफ हम कहते हैं पिया किए अति प्रसन्न तीन बेर दिए दर्शन, तो दर्शन देने वाले राज जी हैं। यदि वृंदावन में रास करने वाले श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिया होता तो वृंदावन में रास का स्वरूप कैसा है? रास में तो सुथनी पहनी है ना श्री कृष्ण जी ने, और रास में राज जी के बाल कैसे हैं? कृष्ण जी के चोटी गुंथी हुई है। और परमधाम का जो स्वरूप है वो कैसे हैं? घुंघराले बाल हैं। तो आप चाहे वृत्तांत मुक्तावली पढ़ लीजिए, वृत्तांत मुक्तावली में देवचंद्र जी को दर्शन देने वाले संपूर्ण स्वरूप का वर्णन किया गया है। जो स्वरूप, जो वर्णन कौन सी स्वरूप से मेल खाता है? परमधाम में विराजमान स्वरूप से। परमधाम वाले राज जी का श्रृंगार भिन्न है और रास बिहारी श्री कृष्ण जी का श्रृंगार भिन्न है।
यदि कृष्ण जी के रूप में दर्शन हुआ होता तो देवचंद्र जी ये थोड़ी कहते कि मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे धाम धनी हैं। ये तो उनकी अंतरात्मा गवाही दे रही थी। अगर कृष्ण जी ने दर्शन दिया होता, पहली बात तो ये कि कृष्ण जी का दर्शन उन्हें 26 वर्ष की उम्र में हो चुका है, दूसरी बात 14 वर्षों से वो भागवत सुनते आ रहे थे, कृष्ण जी का कितनी ही बार वर्णन सुना होगा तो वो पहचान जाते, वो ये कहते कि हाँ मुझे पता है आप रास वाले श्री कृष्ण हैं। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कहा, देवचंद्र जी ने इस प्रकार का उत्तर नहीं दिया। तो आप वृत्तांत मुक्तावली में जो दर्शन देने वाला स्वरूप है उस स्वरूप का वर्णन पढ़ लीजिए। इसी तरह से नवरंग स्वामी जी ने भी उस स्वरूप का वर्णन किया है कि कैसे, कैसी वेशभूषा थी, कैसे वस्त्र, कैसे श्रृंगार थे जिन्होंने श्री देवचंद्र जी को दर्शन दिया। वो परमधाम वाला श्रृंगार है और रास का श्रृंगार अलग है। आप स्वयं ही अंतर कर पाएंगे। कभी कई बार लोग कहते हैं जब हम इस तरह की बात करते हैं, जब हम अलग अलग श्रृंगार की बात करते हैं, तो कहते हैं कि आप लोग राज्य और कृष्ण में भेद क्यों करते हैं, राज्य और कृष्ण तो एक ही है। देखिए ब्रज में जब राज्य ने कृष्ण जी के रूप में लीला की, उस समय के लीला की अवस्था को हम कह सकते हैं कि हाँ वो राज्य हैं, पर वो तो आवेश की लीला है। मूल स्वरूप राज्य जो परमधाम में विराजमान है, उनकी शोभा, उनका श्रृंगार और ब्रज वाले कृष्ण जी का श्रृंगार क्या एक है? रास में श्री कृष्ण जी का श्रृंगार और परमधाम वाले राज्य का श्रृंगार क्या एक है? तो जब आप ये कहें कि वृंदावन वाले श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिया, तो आप वृंदावन वाले श्री कृष्ण जी की जो शोभा तारतम वाणी के रास ग्रंथ में लिखी गई है उसको एक तरफ लिख लीजिए, और परमधाम वाले राज्य की जो शोभा है उसको आप एक तरफ रख लीजिए, और फिर देवचंद्र जी को दर्शन देने वाले स्वरूप की जो शोभा का वर्णन वृत्तांत मुक्तावली में किया गया है उसको देख करके वर्णन कीजिए कि क्या ये रास के श्रृंगार से मैच खाता है, मेल खाता है, या परमधाम वाले श्रृंगार से मेल खाता है। आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि देवचंद्र जी को कौन से स्वरूप ने आकर के दर्शन दिया था। श्री देवचंद्र जी को दर्श दियो जो है पूरन रूप, और पूरन रूप जो है वो परमधाम वाले स्वरूप को कहा गया है, ब्रज और रास वाले स्वरूप को नहीं। तो इसलिए हमारे मन में ये भ्रांति ना रहे कि दर्शन देने वाला स्वरूप कौन सा है और तारतम कौन सा है। कई बार सुंदर साथ इस बात का भी विवाद करते हैं कि तारतम जो है वो बदल दिया गया है, मूल तारतम ये है, मंत्र तारतम ये है। वास्तव में तो तारतम मंत्र है, ऐसा श्री जी ने हरिद्वार में प्रवाहियों को समझाने के लिए कहा है। देखिए हरिद्वार में पहुंचने से पहले कितने सुंदर साथ की जागनी हुई है, अनेकों, गिनती तो नहीं लिखी एग्जैक्ट, लेकिन देवचंद्र जी ने जितने सुंदर साथ की जागनी की, क्या कहीं पर तारतम मंत्र प्रदान की ऐसा कहा है? कहीं पर भी नहीं लिखा है कि तारतम मंत्र प्रदान किया गया है। आते हैं मिहिर राज जी को भी ज्ञान दिया है उन्होंने, कान में मंत्र फूकने का कहीं भी वर्णन नहीं आता है। गांगजी भाई को भी इस तरह से कान में मंत्र फूकने का कहीं वर्णन नहीं आता है, हरिद्वार में भी नहीं आता है। उससे पहले कहीं तारतम के साथ मंत्र शब्द जुड़ा ही नहीं है। आप लालदास जी की बीतक में शुरू से लेकर के देख लीजिए हरिद्वार तक, संपूर्ण वाणी में कहीं तारतम को मंत्र शब्द कहा ऐसा देख लीजिए, कहीं पर भी नहीं मिलता है। तो इसको हमें ऐसा नियम नहीं बनाना चाहिए कि तारतम जो है वो मंत्र है, गुप्त है, ऐसा नहीं है। आप मंत्र का अर्थ यदि गुप्त करते हैं तो वो अर्ध सत्य है। मंत्रणा, यदि मंत्र का अर्थ मंत्रणा के रूप में कर रहे हैं तो उसे गुप्त रखना चाहिए। मंत्रणा का मतलब जैसे कोई मीटिंग करते हैं ना, मीटिंग को हम संस्कृत में मंत्रणा कहते हैं, तो मीटिंग में जो भी बातें होती है वो मीटिंग वालों को ही पता होना चाहिए, बाहर के लोगों को पता नहीं होना चाहिए। इसलिए वहां पर मंत्र शब्द आया है, मंत्री गुप्त भाषण ऐसा कहा जाता है। पर मननात मंत्र जब आप अर्थ कर रहे हैं कि जिसका मनन किया जाए, तो फिर वहां गुप्त रखने की आवश्यकता नहीं है। एक तरफ हम कहते हैं कि निज नाम सोई क्या हुआ, गुप्त और जाहिर, जाहिर मतलब होता है प्रगट, गुप्त और प्रगट ये दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं। जो गुप्त है वो जाहिर नहीं हो सकता,
और जो जाहिर है वो गुप्त नहीं हो सकता। और हम कहते हैं निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकि सब दुनी राह देखत। आप सोचिए कि विश्व में 8 अरब की जनसंख्या है और आप कहें कि नहीं हम तो कान में मंत्र देंगे, ठीक है। कभी कभी जागनी के लिए जब हम बाहर निकलते हैं, तो एक बार ऐसा हुआ था कि 2015-16 के आसपास दाहोद में 375 लोगों ने एक साथ तारतम लिया था। अब क्या करें, वहाँ 375 लोगों के कान में मंत्र फूंके हम, अच्छा संख्या थोड़ी और ज़्यादा हो जाए तो क्या किया जाए? फिर कोई मशीन बनाई जाए सबको एक साथ कॉन्फ्रेंस कॉल में लेकर के, है कि नहीं, जूम मीटिंग से ऐसा किया जाए? दुनिया चांद तक पहुंच चुकी है, मंगल तक पहुंच चुकी है, और अभी भी यदि हमारा समाज कान में मंत्र फूंकने में लगा हुआ है तो हमारे समाज का कल्याण नहीं हो सकता। मंत्र को गुप्त रखना, देखिए वैष्णवों की परंपरा रही है, और वैष्णवों में भी मैं आपको एक बहुत ही हास्यास्पद बात बताऊं। रामानुज संप्रदाय है वैष्णवों के 4 संप्रदाय में से एक। रामानुज संप्रदाय के जो आचार्य कहे जाते हैं, जिनके नाम से रामानुजाचार्य संप्रदाय चला है या रामानुज संप्रदाय चला है, तो रामानुज आचार्य जब अपने गुरु के पास थे, उनके गुरु जी ने रामानुज जी के कान में एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवतो वासुदेवाय, और कहा कि ये जो मंत्र है इससे तुम्हें वैकुंठ की या स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुम नर्क से छूट जाओगे, तुम्हें जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं लगेगा। इस तरह से उनको समझा दिया और कहते हैं कि ये मंत्र किसी को भी मत देना, गुप्त रखना। अगर तुमने किसी को ये मंत्र दिया किसी अयोग्य व्यक्ति को, तो तुम नर्क में जाओगे। गुरुजी ने ये कह करके डरा दिया। अब रामानुज जी से सभी लोग उस समय जो नज़दीकी लोग थे वो भी ईर्ष्या रखते थे कि गुरुजी हमेशा रामानुज की प्रशंसा करते हैं। अच्छा, गुरुजी एक दिन कहीं घूमने के लिए किसी कार्यवश बाहर गए थे, तो रामानुज जी ने क्या किया, अपने आस पड़ोस के सब लोगों को बुला करके इकट्ठा किया और खुद एक ऊंची जगह पर चढ़ गए और चढ़ करके कहते हैं कि देखो गाँव वालों, मैं तुम्हारे लिए मुक्ति का साधन लेकर के आया हूँ। मैं तुम सबको एक मंत्र कह रहा हूँ, उस मंत्र को तुम बोलना, उस मंत्र का तुम पाठ करना, जिससे कि तुम्हें मुक्ति होगी। और ऐसा कह करके जोर जोर से ओम नमो भगवतो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह से वो सबको सिखाने लग गए। अब जो शिष्य जो उनके सहपाठी थे, उन्होंने जब ये तमाशा देखा, उनकी दृष्टि में तो तमाशा ही था, तो शाम को जैसे ही आचार्य जी आए, उन्होंने शिकायत कर दी कि आपका जो प्रिय शिष्य है ना, वो तो ऐसी ऐसी हरकतें करता है। अब गुरुजी को भी गुस्सा आया, गुरुजी ने बुलाया रामानुज जी को और कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम नरक में जाओगे। तो रामानुज जी कहते हैं कि गुरुवर, यदि मेरे एक के नरक जाने से इतने सारे लोगों को स्वर्ग वैकुंठ की प्राप्ति होती है, तो मैं इतने सारे लोगों के लिए नरक जाने को भी तैयार हूँ, जिससे अगर इतने लोगों का कल्याण हो रहा है तो। और इस बात से गुरुजी इतने प्रसन्न हुए कि भविष्य में उन्होंने रामानुज जी को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया और उनसे रामानुज संप्रदाय चला। आप स्वयं सोचिए कि यदि रामानुज जी ने गलत किया होता तो उनको उत्तराधिकारी तो नहीं बनाया जाता, और यदि गलत किया होता तो फिर रामानुज जी के जो शिष्य हैं वो इसको गौरव के साथ क्यों बोलते? पाप किया होता तो पाप पर कोई गर्व थोड़ी करता है। इसका मतलब क्या है, कान में मंत्र फूंकना गलत है, और कोई भी जो ज्ञान है उसको बांटने से ही, ज्ञान को देने से ही वास्तव में वो ज्ञान फलीभूत होता है। हमारा तारतम ज्ञान, समस्त जगत को मुक्ति देने वाला ज्ञान है। यदि सभी लोग तारतम ज्ञान को स्वीकार करते हैं, सभी लोग तारतम ज्ञान के महत्व को या उसके द्वारा परब्रह्म की पहचान कर लेते हैं, तो इस संसार में शांति आएगी। इस संसार में सभी लोग एक परब्रह्म की पहचान करेंगे तो धर्म के नाम का झगड़ा समाप्त होगा। और हम क्या कर रहे हैं कि इतने महान ज्ञान को गुप्त कह करके कान में फूंकने तक सीमित रख रहे हैं। कबीर जी क्या कहते हैं कि कान में मंत्र फूंकना कैसा है, कहते हैं कान में मंत्र फूंकने से कुछ भी नहीं होता, यहाँ तक कि कान का मैल भी साफ नहीं होता है। ये कबीर जी का कथन है।
तो इसीलिए ये जो कुछ भ्रांतियाँ थी कि कैसे स्वरूप ने दर्शन दिया, कौन सा वाला तारतम प्रदान किया, मंत्र दूसरे को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कान में बोलना चाहिए कि माइक में बोलना चाहिए, तो इन सभी प्रश्नों का समाधान आज के इस प्रसंग में हुआ। हाँ, एक प्रश्न कि मूल तारतम कौन सा है, कौन सा तारतम दिया जाना चाहिए, वास्तविकता ये है ये दोनों वर्ग के लिए, क्योंकि सत्य तो कभी बदलता नहीं है, चाहे कोई भी वर्ग हो कोई भी वर्ण हो। सत्य ये है कि श्री देवचंद्र जी के द्वारा सबसे पहले जो तारतम अवतरित हुआ वो है निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। और जब श्री जी अनूप शहर पहुँचते हैं, सनंद ग्रंथ का अवतरण होना होता है, चूँकि औरंगजेब तक ये ज्ञान अगर पहुँचाना होता, पहुँचाने की कोशिश चल रही थी, तो औरंगजेब तो श्री कृष्ण जी का नाम सुनकर के स्वीकार नहीं करता, इसीलिए अब वो तारतम चाहिए था जो सुर असुर सबों के लिए, वाणी कहते ना सुर असुर सबों को एपति, सब पर एक ही दया। परमात्मा किसी वर्ग विशेष से बंधा हुआ नहीं है, वो केवल हिंदुओं का नहीं है, वो केवल मुसलमानों का, ईसाइयों का, सिखों का नहीं, वो तो सबका है। तो इसीलिए ये चौपाई अवतरित हुई कि परब्रह्म की पहचान क्या है, निज नाम श्री जी, साहेब जी, अनादि अक्षरातीत। श्री जी और साहेब जी दो शब्द हैं। श्री जो शब्द है वो है अनंत ऐश्वर्यों का जो स्वामी है, ये हिंदुओं के लिए। और साहेब का अर्थ भी क्या होता है, जो सबका मालिक है। तो मुसलमान भी साहेब शब्द का प्रयोग करते हैं, साहब कहते हैं, और क्रिश्चियन भी अंग्रेजी में सोहब शब्द कहा जाता है, मालिक के लिए प्रयोग होता है। तो इस तरह से जो हिंदू मुस्लिम ईसाई सभी के लिए होता, तो जो परमात्मा सब के लिए है उसकी पहचान अब श्री जी साहेब जी के रूप में जाहिर हो चुकी है। इस तरह से ये दूसरा तारतम भी अवतरित हुआ, जो इस बात का आरोप लगाते हैं कि जगदीश चंद्र आहूजा जी ने तारतम बदला या राजन स्वामी जी ने तारतम बदला। अनूप शहर में सरकार श्री थोड़ी गए थे कि श्री जी तारतम बदल दीजिए, नहीं। हमारी ज्ञानपीठ के पुस्तकालय में 280 साल पुरानी ब्रह्मवाणी की प्रतिलिपि है, उसमें भी श्री जी साहेब जी की छाप है। बहुत सारी ब्रह्मवाणी ऐसी है जिसमें रास से लेकर के कयामत नामा तक श्री जी साहेब जी ही श्री जी साहेब की छाप है। कई ब्रह्मवाणी ऐसी है जिसमें रास से लेकर कयामत नामा तक श्री कृष्ण जी की छाप है। कई ब्रह्मवाणी ऐसी है जिसमें रास से लेकर के किरणतन तक, रास प्रकाश खट ऋतु कलश और किरणतन में श्री कृष्ण जी, और सनंद फिर खुलासा किलवत परिक्रमा सागर सिंगार सिंधी मारिफत और कयामतनामा, इनमें निज नाम श्री जी साहेब जी है। और वास्तविकता क्या है कि अनूप शहर से पहले जो ग्रंथ अवतरित हुए, रास प्रकाश गुजराती, कलश गुजराती, खट ऋतु और किरणतन, क्योंकि किरणतन का प्रारंभ पहले से ही हो चुका था, तो इन ग्रंथों में निज नाम श्री कृष्ण जी की छाप होगी, और उसके अतिरिक्त बाकी जो ग्रंथ हैं उनमें निज नाम श्री जी साहेब जी होगी। वो तारतम आज से 50 साल पहले, 60 साल, 70 साल पहले नहीं बदला है। बहुत सारी ब्रह्मवाणी है, मैंने स्वयं अपनी आँखों से कई स्थान में कई मंदिरों की ब्रह्मवाणी को देखा है जिसमें दोनों प्रकार के तारतम है। कई हस्तलिखित बीतकों की प्रतियाँ भिन्न भिन्न मंदिरों में देखी है जिसमें दोनों तारतम है। इसीलिए इस बात का विवाद ही नहीं होना चाहिए कि कौन सा तारतम सही है, दोनों तारतम सही है। जब ब्रह्मवाणी में अवतरित हुई है तो किसी को सही और किसी को गलत कैसे कह सकते हैं। यदि एक वर्ग ये कहे कि श्री कृष्ण जी वाला तारतम गलत है, वो नहीं बोलना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तब भी वो भ्रम का शिकार है, भ्रांति का शिकार है। और दूसरा वर्ग कहे कि नहीं, श्री जी साहेब जी तो बदला हुआ तारतम है, ये बनाया हुआ तारतम है, ये गलत है, तो वो भी भ्रांति का शिकार है। दोनों तारतम सही हैं, दोनों तारतम का वास्तविक अर्थ समझने की आवश्यकता है। लेकिन हाँ, जागनी के ब्रह्मांड में यदि हमें परब्रह्म की पहचान सब तक पहुँचानी है तो हमें किसी एक वर्ग विशेष के नाम के बंधन से ऊपर उठना होगा। हमें परब्रह्म की पहचान इस प्रकार से जाहिर करनी होगी कि वो परमात्मा सबका है। तो जो दूसरा तारतम है जो अनूप शहर में अवतरित हुआ है, वो तारतम वेद पक्ष और कते पक्ष दोनों को समेटने वाला तारतम है।
अब इसमें किसी प्रकार का विवाद करने की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, फिर भी जिनको विवाद करना होता है वो कहीं ना कहीं से बहाने निकाल ही लेते हैं। उनसे कुछ कहा भी नहीं जा सकता है और उनका कुछ मेरे ख्याल से हो भी नहीं सकता है। बस राज जी चाहें और राज जी सबको इस प्रकार की सद्बुद्धि दें कि तारतम के विवाद से, नाम के विवाद से, मंत्र के विवाद से ऊपर उठ करके वाणी में जो तत्व ज्ञान दिया है, वाणी में जो राज्य की पहचान दी है, बीतक के माध्यम से लालदास जी ने जो पहचान दी है, उसे हम जाहिर करें। इस जागनी के ब्रह्मांड में संपूर्ण शोभा अक्षरातीत कहलाने की वो प्राणनाथ जी को प्राप्त है। और प्राणनाथ जी का तात्पर्य कोई तन विशेष का नाम नहीं है, तो हमें उनको इस दुनिया में जाहिर करना चाहिए। अन्य किसी नामों को यदि पकड़ने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग त्रुटि कर रहे होंगे, हम भूल कर रहे होंगे और हम एक छोटे से दायरे से बंद करके रह जाएंगे। इसमें किसी का भी कल्याण नहीं होने वाला है। अब इस तरह अब मूल प्रसंग में आते हैं जो चल रहा था कि श्री देवचंद्र जी के हृदय में राज्य विराजमान हो चुके हैं और जैसे ही राज्य विराजमान हुए कहते हैं तब ही नजर सत वस्तु को जाए के पहुंची धाम। अब देवचंद्र जी की सुरता दृष्टि, उनकी नज़र परम धाम पहुंचती है और परम धाम पहुंचते हुए उनकी सुरता को अखंड ब्रज की लीला का, अखंड रास की लीला का दर्शन होता है। परम धाम का तो दर्शन होता ही है, साथ में भागवत के जितने रहस्य थे जो वो 14 वर्षों से सुनते आ रहे थे वो सारे रहस्य खुल जाते हैं। और इस तरह अब वहाँ से वे अपने घर में आकर के आराम करते हैं और आराम करते हुए सोचते हैं, क्या विचार करते हैं कि अब ये ज्ञान मैं किसको कहूँ। देखिए, ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। हम कहते हैं ना, व्यय कृते वर्धते एव नित्यम। और देवचंद्र जी के हृदय में वो ज्ञान आया है। वैसे तो राज जी ने कहा कि मैं ब्रह्म सृष्टियों को भेजूंगा, लेकिन देवचंद्र जी इस बात को लेकर के शांति से नहीं बैठते कि राज जी भेजेंगे तो कर लेंगे। हाँ, ये जो बात है वो भी राज जी ही हृदय में उपजा रहे हैं कि ये बात मैं किनको कहूँ, कौन माने इस ठाम, कि मुझे जो पहचान हुई वो मैं किसको कहूँ, कौन मेरी बात को मानेगा। अब क्या हुआ कि वो अपने घर से निकलते हैं एक दिन, तो वहां वो गांगजी भाई से मिलते हैं। गांगजी भाई वो व्यक्ति हैं जो देवचंद्र जी के साथ ही भट्ट जी के वहां भागवत सुनने जाया करते थे। जब गांगजी भाई वहां से भागवत सुन करके उठे तो उन्हें पकड़ लिया देवचंद्र जी ने और उनके आगे अब अपनी बात रखने लग गए। अब खड़े खड़े वो बात करने लगते हैं देवचंद्र जी गांगजी भाई से भागवत के कुछ प्रश्न पूछ देते हैं जिनका पता गांगजी भाई को होता नहीं और जिस विषय में कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होता है। सोचते कैसे, वो ज्ञान ही नहीं था, वो समझ ही नहीं थी। अब गांगजी भाई पूछते हैं कि आपको ये सब ज्ञान कहाँ से मिला, तो देवचंद्र जी अपनी सारी बात बताते हैं। अब ये बात करते हुए क्या होता है कि ये खड़े होकर के बात कर रहे हैं तो एक पनिहारन मतलब पानी भरने वाली महिला उधर से गुजरती है, देखती है कि ये दो लोग खड़े होकर के बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, मगन होकर के। दूसरी बार पानी भर के आती है तब भी देखते हैं कि ये खड़े खड़े इतनी देर से बात कर रहे हैं। तीसरी बार जब पानी भर के आते हैं देखती है कि ये तो चर्चा में इतना मगन हुए हैं अपनी बातों में, इनको शरीर की शुद्धि ही नहीं है, तो वो टोक देती है कि भाई आप लोग बैठ करके बात क्यों नहीं करते, कब से तुम लोग खड़े हो, हम 3 बार यहां से पानी भरने के लिए जा चुके हैं और बैठने का नाम ही नहीं लेते। जब इस तरह से सुना तो शरीर की उन्हें शुद्ध आई कि हाँ, हम तो खड़े होके बात कर रहे हैं। अब वहां से विचार करके अब चले। इस तरह से अब गांगजी भाई ने देखा कि भट्ट जी के यहां जो भागवत की कथा सुनने जाते हैं उसमें जो मुझे मिल नहीं रहा है वो किससे मिल रहा है, श्री देवचंद्र जी से। तो गांगजी भाई जी पूछते हैं
कि हम और आप दोनों ही भागवत सुनने जाते हैं, लेकिन आप ये प्रश्न कहाँ से लेकर के आ रहे हैं। अब गांगजी भाई को क्या देखा उन्होंने, देवचंद्र जी ने, कहते हैं गांगजी भाई को जब देखिया वस्त्र का पूरा पात्र, तब कछु चले बताओते सत बोए रज मात्र। जब इस ज्ञान को देने का अधिकारी समझा, क्योंकि अधिकारी कौन होता है, ज्ञान का उत्तराधिकारी कौन होता है, जो जिज्ञासु हो, जो सच्चा जिज्ञासु हो वही ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी है। यहाँ जिज्ञासा का मतलब है जानने की इच्छा, या इसको मैं यूं कहूं कि जानने का लालच। जिसके मन में कुछ जानने की लालसा होती है वो वास्तव में जिज्ञासु है। केवल सवाल पूछने वाला जिज्ञासु नहीं होता है, सवाल कोई भी पूछ सकता है, पर जानने की लालच किसी किसी में होती है। जैसे सामान्य रूप में यदि आपने मुझे कोई प्रश्न पूछा और मैंने कहा कि अभी मेरे पास समय नहीं है, आप शाम को 6 बजे आना, आप 5:59 पर यदि मेरे पास पहुंचे हैं तो मैं समझूंगा कि आप वास्तव में जिज्ञासु हैं। लेकिन आपको रात को 9:30 याद आया कि अरे हाँ मैंने तो प्रश्न पूछा था, दोबारा जाना भूल गया, अरे कोई बात नहीं कल पूछ लूँगा, और कल दोबारा जब मैं दिखा तो पूछने लगे कि गुरु जी आप कल मैंने प्रश्न पूछा था ना, आपने बुलाया, आपने कहा था 6 बजे आने के लिए, तो मैं समझ क्या समझूंगा कि आप जिज्ञासु तो नहीं है। प्रश्न है, शंका है, पर जिज्ञासा नहीं है। जिज्ञासा का अर्थ तो होता है लालच। जिसके अंदर वो ज्ञान की वो लालच आ जाए ना, तो वास्तव में उसे ही जिज्ञासु कहा जाता है। फिर वो हमेशा उसके दिमाग में वही चीज घूमती रहेगी। जैसे जिसको धन का लालच हो तो वो क्या करता है, हर जगह से कमाने की सोचेगा, हर जगह से बचाने की सोचेगा, है कि नहीं। तो इसी तरह से जिसको ज्ञान का लालच हो वो हर जगह से लेने की सोचेगा ज्ञान की, यहाँ से भी ले लो, वहाँ से ले लो, जहाँ से मिले वहीं से लूट लो। तो जब गांगजी भाई को देखा कि ये वास्तव में जिज्ञासु है, तो उन्होंने क्या किया, अखंड की ज्ञान की थोड़ी सी खुशबू गांगजी भाई को दे दी कि इस खुशबू से देखा जाए कि क्या इनसे सहन होता है कि नहीं। तो उस खुशबू से अब जिज्ञासा और अधिक बढ़ी। तो कहते हैं तीन खुशबुए से भय जोर जिज्ञासु जब। अब जिज्ञासा और जोर करने लगी, जोर करने का तात्पर्य और अधिक बढ़ने लगी। जैसे एक उदाहरण के लिए, आपने मुझे कोई बात पूछी, उसको मैंने संकेत में बता दिया, थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से, कोई किसी कहानी के माध्यम से, और थोड़ा बता करके मैंने कहा बस इतना ही। आप अगर जिज्ञासु होंगे तो आप बोलेंगे नहीं और बता दीजिए, थोड़ा और बता दीजिए, फिर आपको ना खाने की सुध रहेगी ना पीने की सुध रहेगी। कभी कभी आप लोग अगर टीवी देख रहे हो, अच्छी फिल्म आ रही हो और उसको इंटरेस्टिंग बनाया हो, सस्पेंस वाली हो कोई, तो आप ये भी नहीं देखेंगे कि कितना बजा है। वैसे आप निश्चित समय पर अगर खा लेते होंगे, उस दिन किसी ने आकर के अगर नहीं टोका पनिहारिन की तरह, तो आप वहाँ से नहीं उठेंगे, आप पूरी पिक्चर देख करके ही उठेंगे। अब देवचंद्र जी ने वैसे ही जिज्ञासा पैदा की, तो गांगजी भाई अब और जोर करते हैं कि आप मुझे और बताइए कि आपके मन में ये प्रश्न कहाँ से आने शुरू हुए। तो देवचंद्र जी ने जन्म से लेकर के सारी बात बताई कि कैसे 11 वर्ष की उम्र में मेरे मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ, कैसे मैंने अपने घर के आसपास खोज की, कैसे मैं 16 वर्ष की उम्र में निकला, किस प्रकार मुझे पहली बार इस तरह से अक्षरातीत ने दर्शन दिया, कैसे फिर मैं कच्छ पहुंचा, वहां कैसे खोज की, भिन्न भिन्न संप्रदाय में गया, वहां पर क्या क्या अनुभव हुआ, फिर किस तरह से हरिदास जी के पास पहुँचा, वहाँ पर कैसे मैंने उनकी सेवा की, किस प्रकार बालमुकुंद जी ने मेरे स्वरूप की थोड़ी पहचान दी, किस तरह से मैं बांके बिहारी जी की सेवा करने लगा, कैसे मुझे ध्यान में ब्रज के स्वरूप का दर्शन हुआ, फिर किस प्रकार मुझे यहाँ आने की प्रेरणा हुई, यहाँ 14 वर्षों में मैंने क्या क्या सुना, इस तरह से सारी बातें बताकर 14 वर्ष के पश्चात दर्शन तक की सारी अभी तक सुनी। अब गांगजी भाई ने जब ये सुनी, उन्हें श्री देवचंद्र जी की पहचान हो गई, अच्छी तरह से पहचान हो गई, ज्ञान दृष्टि से पहचान हो गई कि यदि वास्तव में इनमें परब्रह्म का वास नहीं होता,
वास्तव में इनके अंदर परब्रह्म की लीला नहीं हो रही होती, तो भागवत के जैसे रहस्य ये खोलते हैं वो नहीं खोल पाते। अगर हर कोई खोल देता तो हम भट्ट जी से ही सुन लेते। इस तरह से उनको विश्वास होने लगा, तो उन्होंने देवचंद्र जी से आग्रह किया कि सद्गुरु महाराज, आप अब मेरे घर पर चलिए। अब देवचंद्र जी को हम सिर्फ देवचंद्र जी नहीं कहेंगे, अब कहेंगे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी। क्योंकि सतगुरु इसीलिए कि एते दिन त्रैलोक में होती बुद्ध सुपन सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन। सबसे पहले ज्ञान का प्रकाश इस जागने के ब्रह्मांड में उनके द्वारा हुआ, इसलिए वो सतगुरु हैं। धनी इसलिए, धनी कहते हैं प्रियतम को गुजराती भाषा में, पति को धनी कहते हैं। तो उनके अंदर हमारे राज्य विराजमान है, इसलिए वो धनी है। नाम उनका देवचंद्र है। तो सद्गुरु धनश्री देवचंद्र जी ने अब गांगजी भाई के आग्रह पर उनके घर पर चर्चा सुनानी प्रारंभ की। तो क्या हुआ, फिर नए नगर में ज्योकर भया दीदार, सो सारी बताए दई जो मेहर परवर दिगार। अब वहां से गांगजी भाई के घर पर चर्चा होने लगी। जब चर्चा होती है तो क्या होता है, अगर श्री देवचंद्र जी ब्रज की लीलाओं का वर्णन करते हैं तो ब्रज की लीला का देखने वाले सुनने वाले को अनुभव होता है, दर्शन होता है। रास की लीला का वर्णन करते तो रास की रामतों का अनुभव होता है। इस तरह से इन चमत्कारी लीलाओं के बारे में एक से सुनी दूसरे, तहां से मिला साथ सोई आवे दीदार को, जाके धनिए पकड़े हाथ। अब एक ने दूसरे को सुनाई, दूसरे ने तीसरे को, इस तरह से एक दूसरे से सुन करके अब देवचंद्र जी के पास सब आने लग गए। राज जी ने क्या कहा था, मैं भेजूं तमाम। सबसे पहले गांगजी भाई के पास पहुंचाया राज जी ने, गांगजी भाई से मिलवाया, और फिर गांगजी भाई के घर में जब चर्चा हो रही थी तो अब जो सुनने लगे, एक ने सुनी तो दूसरे ने बताई, अब देवचंद्र जी को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा। और दर्शन के लिए कौन आ रहा है, चर्चा सुनने कौन आ रहा है, जिसका हाथ राज्य पकड़ते हैं, जो ब्रह्म सृष्टि हैं, जिनका संबंध राज्य के साथ है। अन्यथा दूसरी वितकों में एक वर्णन आता है कि जब राज्य विराजमान हुए तो उन्होंने, अब देवचंद्र जी ने सोचा कि ये ज्ञान में किसको बताऊं, अंदर से हो रहा था कि किसको बताया जाए, किसको बताया जाए। तो उन्होंने सोचा कि हर कोई तो मेरी बात मानेगा नहीं, किसी को बताने लगते तो कहते कि पागल आ गया है। उन्होंने एक नाई को कहा कि तुम दिन भर में कितना कमा लेते हो। पूछा, नाई ने बताया होगा जो भी रकम। तो कहते हैं कि तुम मेरे पास बैठो, मेरी बात सुनो, तुम दिन में जितना कमाते हो वो मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें बस मेरे पास बैठ के सुनना है। अब देवचंद्र जी अपनी बात सुना रहे, परमधाम की बात सुना रहे हैं, तो लोगों को क्या लग रहा है, उस नाई को क्या लग रहा है कि पता नहीं ये बहकी बहकी सी बात कर रहे हैं, क्योंकि जो बात पहले कभी सुनी ही ना हो। वाणी कहती ना, सुनियो बाने सुहागनी होती जो अकथ अगम। अब जो अकथ अगम रहा हो इतने दिनों से, इतने युगों से, ऐसा ज्ञान अचानक से सामने आए तो क्या होगा, लोगों को लगेगा कि बताने वाले का, कहने वाले का दिमाग फिर गया है। तो नाई ने आना ही बंद कर दिया, जबकि उसको परिश्रम भी नहीं करना था, उसको बैठे बैठा पैसा मिल रहा था। ये प्रसंग किसी दूसरे वितकों में वर्णन आता है। तो हर कोई तो सुन भी नहीं सकता है, हर कोई समझ भी नहीं सकता है, सोई आवे दीदार को, जाके धनिए पकड़े हाथ। अब श्री लालदास जी कहते हैं कि श्री महामती कहे ए साथ जी, ए अपनी बुनियाद, अब तुम्हें आगे कहूँ ताको करो याद। ये हमारी बुनियाद है। बुनियाद किसे कहते हैं, बुनियाद कहते हैं नींव को, जिसको अंग्रेजी में फाउंडेशन कहा जाता है। जैसे ये मकान बना है, ये पुस्तकालय बनी है, या ज्ञानपीठ में जितने भी मकान बने हैं, तो पहले नींव डलती है ना, नींव के आधार पर पूरा घर टिका होता है। नींव यदि कमजोर हो तो घर बाहर से देखने पर कितना भी सुंदर दिखे, कितने ही अच्छे संगमरमर लगाए हों,
कितनी ही अच्छी पेंटिंग की हो, कितने अच्छे कलर लगाए हो, सजावट हो, लेकिन नींव यदि कमज़ोर हो तो कभी भी भर भर आ करके गिर सकती है। हमारी जो नींव है वो बहुत मजबूत है, और जैसे सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो नींव को बनाने में ही लगता है ना। हमारे नींव को बनने में 29 वर्ष लगे थे, लेकिन 11 वर्ष की उम्र से शुरू हुई ना, तो 29 वर्षों में जाकर के वो नींव जागने की तैयार हुई है, तो वो भर भर आ करके गिरने की संभावना तो नहीं है। बहुत मजबूत नींव बनी, और वो ज्ञान आया जिसकी प्रतीक्षा पूरा ब्रह्मांड युगों से कर रहा था। तो वो जो है वो हमारी बुनियाद है। अब लालदास जी आगे की बीतक का वर्णन करने जा रहे हैं, कहते हैं इसको आप सुनिए। अब कहते हैं कि सबसे पहले कौन आया तारतम ज्ञान ग्रहण करने? गांगजी भाई। गांगजी भाई जी ने तारतम ज्ञान ग्रहण किया और उन्होंने श्री देवचंद्र जी की सेवा की। अपने घरों लई बुलाए, श्री देवचंद्र जी को अपने घर में बुला लिया। देवचंद्र जी का भी अपना घर तो था, पर क्योंकि देवचंद्र जी माया की कमाई तो करते नहीं थे, अगर उनके घर पे चर्चा होती तो सुंदर साथ आती, उनकी व्यवस्था कैसे होती। गांगजी भाई ने सारी सेवा संभाली। जब हम बीतक करते हैं, गांगजी भाई की सेवा को कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है, उनकी सेवा को बहुत ज़्यादा बयान नहीं किया जाता है, पर वास्तविकता क्या है कि गांगजी भाई वो प्राथमिक सुंदर साथ हैं जिनके बल से, जिनके त्याग से, जिनकी सेवा से जागनी का प्रवाह आगे बढ़ा है। देखिए, जैसे एक उदाहरण के लिए प्राणनाथ ज्ञानपीठ, इसकी स्थापना को 19 वर्ष हो चुके हैं। 2005 में इसकी स्थापना हुई। आज राज्य की कृपा से काफ़ी सुंदर साथ हैं जो आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं, जो आकर के शारीरिक श्रम भी करते हैं कार्यक्रमों से पहले। तो आज कोई व्यक्ति, एक उदाहरण के लिए, आज के समय में किसी व्यक्ति ने यदि एक साथ 20 लाख की भी सेवा दे दी, 25 लाख की सेवा दे दी, तब भी प्रारंभ के चरणों में आज से 18-19 साल पहले यदि किसी ने 1 लाख का भी सहयोग किया होगा तो उस समय की सेवा बड़ी मानी जाएगी। वो इसलिए क्योंकि उस समय कोई करने वाला नहीं था, कोई देने वाला नहीं था, कोई जानने वाला नहीं था, अपने प्रारंभिक चरण में था। और जब, और कीमत किसकी होती है, जब व्यक्ति कई दिनों का भूखा हो, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा हो, तो कोई व्यक्ति रूखा सूखा भी दे दे तो उस रूखे सूखे भोजन देने वाले की कीमत ज़्यादा होती है। और जब आपका पेट भरा हो या जब आपके पास देने वाले ज़्यादा हो और उन्हीं में से कोई एक थोड़ा अच्छा ला करके दे रहा है, तो उसकी कीमत मेरी दृष्टि में तो कम है। मैं किसी की सेवा को छोटा बड़ा नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल गांगजी भाई की सेवा को समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ज्ञानपीठ में भी प्रारंभ से जुड़ करके जिन्होंने भले ही छोटी सी भी सेवा दी हो, उनकी सेवा का जो मूल्य है वो आज के समय में बड़े बड़े रकम देने वाले, बड़ी बड़ी सेवा करने वालों की तुलना में अधिक है। तो गांगजी भाई जी ने वैसी ही सेवा की है। पहली सेवा थी, पहले सेवादार सुंदर साथ थे, पहला तारतम लिया। और उसके बाद मैं गांगजी भाई की सेवा का एक थोड़ा सा नमूना बताना चाहता हूँ। गांगजी भाई की जो पत्नी है, उनके मन में सेवा का वो भाव नहीं था। कभी अगर कुछ करने के लिए कहा भी जाता था कि सेवा में थोड़ा ध्यान दो, तो वो पूछ के करती थी। पूछ के करने का मतलब सेवा नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए, पूछना भी तो कई तरीकों से होता है। वैसे कई लोग कैसे पूछते हैं, आप खाना खा करके आए हैं कि घर जाके खाएंगे, ऐसे भी पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा, इससे थोड़े जो अच्छे लोग होंगे वो पूछेंगे आप खाना खाएंगे, और जब वो आप खाना खाएंगे पूछते हैं, तो उसके बाद जब पहली बात तो ये है कि कोई भी व्यक्ति चाहे भूखा ही क्यों ना हो,
मैंने आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जिसको पूछा जाए कि आप खाना खाएंगे और वो कहे कि हाँ बहुत भूख लगी है, बहुत ऐसा कोई होता ही नहीं है, शायद ही देखा हो, आपने भी नहीं देखा होगा। और जिसके दिल में सच में भाव होता है खिलाने का तो वो पूछता नहीं है, वो बनाता है और फिर कहता है कि भोजन बन रहा है, आपको भोजन करना है अधिकार पूर्वक, ठीक है। और मान लीजिए कि उसको नहीं खाना है, वो सच में खा करके आया है तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उस समय नहीं खाएगा तो जो भोजन बना है वो दोपहर की जगह पर शाम को आप खुद खा सकते हैं। लेकिन आप यदि पूछते हैं कि आप खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे तो मुझे लगता है कि वो उस अतिथि का या वो उस व्यक्ति का अपमान है कहीं ना कहीं। और इतना मनोविज्ञान तो हर कोई समझता है आजकल कि जो इस तरह से पूछता है कि आप खाना खाओगे तो उसके मन में बनाने की इच्छा नहीं होती है। कई सुंदर साथ मैं ऐसे भी देखता हूँ जिनके मन में इतना भाव होता है कि यदि दो लोग आ रहे होंगे तो वो पांच लोगों का खाना बनाते हैं। केवल खाना खिलाने से प्यार साबित नहीं होता पर भाव तो दिखता है। तो गांगजी भाई जी की जो धर्म पत्नी है उनके मन में वो सेवा का भाव नहीं था, वो पूछती थी भानबाई जी। अब गांगजी भाई जी को लगा कि नहीं ऐसे तो सेवा नहीं हो सकती, वो अपनी पत्नी को मायके लेकर के गए, दोबारा लेने ही नहीं गए कि मुझे मेरी सेवा में सेवा भाव में भंग नहीं करना है। और उस समय नियम ऐसा होता था कि पति जब तक बुलाने न जाए तब तक पत्नी नहीं आती थी, तो गांगजी भाई कभी उन्हें बुलाने नहीं गए केवल इस बात को लेकर के कि ये सेवा नहीं करती हैं या सेवा के लिए पूछती हैं। तो जो तीन प्रकार के लोगों की मैंने बात की थी, पहला और जो दूसरा प्रकार है, दूसरा प्रकार पूछ करके सेवा करता है या सेवा करने का दिखावा करता है, और तीसरा प्रकार वो है जो पूछता नहीं है, जो समझ जाता है कि जो खुद अनुमान लगा लेता है क्योंकि उसके मन में भाव है तो अनुमान लगाता है कि इतनी दूरी से निकले हैं, अगर खा के भी निकले होंगे तब भी अब तक तो भूख लगने का समय हो जाएगा, तो इस तरह से वो अपने भाव से सेवा करते हैं। गांगजी भाई जी भाव से करने वाले थे और भानबाई जी कैसे करती थी, कहते हैं कि भानबाई धनियानी रहे गांगजी के घर में, धनियानी मतलब पत्नी, श्री देवचंद्र जी की सेवा पूछ करे उनसे, कि उनसे पूछ करके सेवा करती थी, क्या आपको ये कर मतलब ये कर दूं खाना बना दूं इस तरह से। तो गांगजी भाई जी ने अपनी सेवा भावना जारी रखी, अपना सेवा धर्म जारी रखा। इसी तरह से गांगजी भाई जी के परिवार का वर्णन कर रहे हैं, पत्नी हो गई भानबाई, बेटे का नाम है श्याम जी, जिनमें कछु न बोए ईमान, विश्वास नहीं था राज्य के प्रति कोई, और विश्वास की सुगंधी भी नहीं थी। चर्चा सुनता बहुत तक बिना अंकुर न भई पहचान, चर्चा तो बहुत सुनते थे लेकिन अंकुर न होने के कारण उन्हें राज्य के स्वरूप की पहचान नहीं हुई। इसी तरह से भानबाई जी की जो बेटी, भानबाई जी की जो बहू है उनका नाम है अजबाई, ये नाम याद रखना आगे भी वर्णन आएगा। तो ये अजबाई उन्होंने सेवा लई सिर ऊपर करे हमेशा काम, उन्होंने क्या किया सेवा को अपने सिर पर लिया। सिर पर लेने का तात्पर्य वो जिम्मेदारी उठाना कि ये सेवा मुझे करनी है, अब पूछने की आवश्यकता नहीं है, देख देख करके समझ समझ करके, जैसे वाणी कहती है ना मुक्ति सेवा तूने सु कहूँ जो तू अंतर आड़ो टाल, तो उस भाव से पहचान के साथ में वो सेवा करती थी और हमेशा कोई ना कोई काम करती रहती थी। जब चर्चा का समय हो तो चर्चा में बैठती थी, बाकी समय में हमेशा कोई ना कोई काम करती रहती थी, सेवा करती रहती थी। गांगजी भाई जी के दूसरे बेटे थे उनका नाम था मानजी, मानजी भाई सेवा करते थे और हमेशा गांगजी भाई के लिए तैयार होते थे कि पिताजी कहीं किसी काम के लिए भेज दें तो वो हमेशा तैयार रहते थे। हीरबाई का बेटा उनका नाम है धनजी, और इसी तरह से गांगजी भाई की एक बहन है उनका नाम है बालबाई। तो ये सब सुंदर साथ हैं।
इस तरह से बहुत सारे सुंदर साथ हैं जिनका इसमें नाम लिखा गया है। मैं सभी का नाम यहाँ पर पढ़ना उचित नहीं समझ रहा हूँ, आवश्यकता इसकी नहीं है। अब श्री देवचंद्र जी के द्वारा हो रही चर्चा का वर्णन आगे कर रहे हैं श्री लालदास जी कि समय श्री देवचंद्र जी चर्चा करते जब इत काहू को बोलने की ताकत न रहे तब। जब श्री देवचंद्र जी चर्चा करते हैं उस समय बीच में बोलने की हिम्मत किसी में भी नहीं होती थी। इस जोश में देवचंद्र जी चर्चा करते थे, ऐसा भाव प्रकट करते थे कि सुंदर साथ को बहुत ही अधिक आनंद आता था। कहते हैं भाव काढ दिखा वहीं सब चर्चा को रूप, वर्णन करें श्री राज को सुंदर रूप अनूप। राज्य की सुंदर अनुपम छवि का, अनुपम रूप का वर्णन करके सुनाते थे, भाव निकाल करके कि सुंदर साथ के अंदर राज्य के प्रति वो भाव आ जाए। इसी तरह से ब्रज की लीला का वर्णन करते थे, रास लीला का वर्णन करते थे, और जब वो वर्णन करते थे तो शब्द साखी शास्त्र सब, जैसे साखियाँ मतलब कबीर जी की साखियाँ हो गई, प्रमाण विभिन्न धर्म ग्रंथों के, शास्त्रों के प्रमाण बोल बोल करके वे अपनी चर्चा सुनाते थे। और उनके मन में केवल एक ही बात की इच्छा रहती थी, एक ही बात की को लेकर के उनके मन में उत्साह भी रहता था। मैंने एक बात कुछ दिन पहले भी कही थी कि यदि आपको किसी भी विषय में परिणाम चाहिए हो तो तीन विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला है इच्छा, दूसरा है उत्साह, और तीसरा है पुरुषार्थ। देवचंद्र जी के मन में इच्छा है सुंदर साथ को जगाने की, उत्साह पूर्वक पुरुषार्थ करते हैं चर्चा सुनाने का, और जिसका परिणाम क्या है, 313 सुंदर साथ की जागनी होती। कहते हैं अंग में बड़ो उमंग साथ मिलावन को, एक नया कोई जो आवत तो उमंग न मावे मनमो। देवचंद्र जी के पास यदि एक भी कोई नया सुंदर साथ आता है तो उनके मन में जो उमंग होती है, उत्साह, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वो तो अंदर समाता ही नहीं है। इतने अधिक उत्साह के साथ में देवचंद्र जी चर्चा करके सुंदर साथ को सुनाते हैं, समझाते हैं, जगाने की कोशिश करते हैं। अब इसी तरह से ये तो हो गया गांगजी भाई जी का परिवार। अब मिहिर राज जी के विषय में बता रहे हैं। मिहिर राज कौन है? जिन दो तनों में अक्षरातीत ने बैठ करके लीला करनी है, उन दो तनों में दूसरा तन जो है वह मिहिर राज जी का है। तन का नाम मिहिर राज। माता पिता कौन है? पिता का नाम है केशव ठाकुर, माता का नाम है धनबाई। पांच भाई हैं कुल मिलाकर, मिहिर राज जी के साथ मिलाकर पांच भाई हैं। और क्योंकि लालदास जी ने वर्णन किया है पन्ना जी पहुंचने के बाद, तो इसलिए उन्होंने पूरा वर्णन किया कि पहले जिनके साथ विवाह हुआ था उन स्त्री का नाम था फूलबाई, और दूसरा जो विवाह है उनका नाम है तेजबाई अथवा तेज कुमारी। और एक भाई है जिनके साथ आत्मिक नाता है, जिनका नाम है गोवर्धन जी। और मिहिर राज जी से पहले देवचंद्र जी से कौन मिलते हैं? गोवर्धन जी। इसी तरह से और भी अन्य सुंदर साथ हैं जिन्होंने देवचंद्र जी से तारतम लिया, जिन्होंने राज्य पर विश्वास लाया, उन सब सुंदर साथ का नाम बता रहे हैं कि वासना ठाकुर गोवर्धन की, गुणवंती बाई नाम, गोवर्धन जी की आत्मा का नाम गुणवंती बाई है। एक भाई हैं जिनका नाम है उद्धव जी, एक गोविंद जी हैं जो चचेरे भाई हैं, चतुर्भुज भी हैं जिनकी पत्नी का नाम पद्मा है, ये सभी चचेरे भाई इत्यादि हैं। उद्धव जी की जो पत्नी है उनका नाम है भानबाई, लेकिन वे सुंदर साथ में शामिल नहीं होती है। एक भाई का नाम है श्यामल जी, जिनको बाद में मिहिर राज जी के माध्यम से राज जी की पहचान होती है जब वो हफ्से में नज़रबंद में होते हैं। इसी तरह से सीताबाई हैं जो सेवा में हैं, सवीरा बाई हैं, प्रेम जी हैं, ये सब मिहिर राज जी के परिवार के, लौकिक परिवार के लोग हैं जो रिश्तेदारी में आते हैं, पांच भाइयों के अलावा चाचा जी के और सब मिला करके। तो
एक भाई का नाम है हरिवंश ठाकुर, एक का नाम है सांवलिया ठाकुर, एक है गोवर्धन ठाकुर। ये तीन बड़े भाई हुए, चौथे हैं मिहिरराज जी और पांचवें हैं उद्धव ठाकुर। तो ये पांच भाई हैं और इन सब की पत्नियां हैं अपनी, फिर सब रिश्तेदार हैं। इस तरह ये पूरा मिहिरराज जी का परिवार है कहते हैं। और साथ बहुत हैं गांव शहर और मैं थोड़े नाम लिखे इनो कहे जाएंगे और ठोर। कहते हैं मैंने तो थोड़े से ही नाम लिखा है, बहुत सारे सुंदर साथ हैं जिनका वर्णन किसी और प्रसंग में आएगा। देखिए एक तो होता है परिवार और एक होता है कुटुंब। कुटुंब बहुत बड़ा होता है, जैसे मान लीजिए मैंने पांच भाइयों का वर्णन किया, पांच भाइयों की पत्नी होंगी तो पांचों के ससुराल हुए है कि नहीं, तो ससुराल भी कुटुंब के अंदर ही आ गया। तो इस तरह से संख्या तो बहुत बड़ी हो गई, रिश्तेदारी बहुत बड़ी हो गई, लेकिन हाँ जो परिवार के सदस्य है वो पांच भाई हैं और पांचों की पत्नियां हैं। इस तरह से ये जो सारा परिवार है जिनमें अधिकांश लोग कभी न कभी तारतम ज्ञान ग्रहण करके जिन्होंने राज्य के साथ संबंध जोड़ा। लेकिन मिहिर राज जी जिस तन से दूसरी बार राज्य को लीला करनी है वो श्री देवचंद्र जी से कैसे मिलते हैं ये जानना जरूरी है, क्योंकि देवचंद्र जी को राज्य की पहचान होने के लिए 29 वर्ष की जो यात्रा हुई वो देवचंद्र जी की स्वयं की यात्रा थी। अब मिहिर राज जी को नया रास्ता नहीं बनाना था, लेकिन बने हुए रास्ते तक तो पहुंचना था ना। अभी मिहिर राज जी अपने घर पर हैं, एक ही शहर में है पर अपने घर पर है। एक ही शहर में होते हुए भी देवचंद्र जी तक पहुंच पाना इतना सरल काम तो नहीं है, कोई ना कोई बहाना तो चाहिए। सरसावा इतने पास में है लेकिन ज्ञानपीठ में बहुत कम लोग आते हैं, और वही लोग आते हैं जिनका संबंध किसी न किसी प्रकार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ है राज्य के साथ। और यदि जुड़ा हुआ है फिर तो बहुत दूर दूर से भी आ जाते हैं। तो वो संबंध कैसे जुड़ा, देवचंद्र जी के द्वारा जो जागनी का रास्ता बनाया गया उस रास्ते तक मिहिर राज जी कैसे पहुंचे, अब उसकी भूमिका बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि श्री देवचंद्र जी के अमल में साथ को सुख हुआ अंग, तिनकी चर्चा सुनते मावत नहीं उमंग। मावत अर्थात समाता नहीं है, सुंदर साथ के हृदय में उमंग उत्साह समाता नहीं, वो बाहर निकलता है। गांगजी भाई जी निरंतर सेवा करते हैं, प्रतिदिन उनके घर में ही रसोई होती है। गांगजी भाई को ये चिंता है कि सुंदर साथ जो चर्चा सुनने आते हैं उनको भोजन की चिंता ना हो, वो यहीं पर भोजन कर सकें, चर्चा सुन सकें, इन्हें परमधाम के आनंद से बाहर आने की आवश्यकता ना पड़े, संसार में कमाने की चिंता करने की आवश्यकता ना पड़े, इसीलिए गांगजी भाई सेवा करते हैं। और देवचंद्र जी के बारे में क्या कह रहे हैं कि कोई नया जो आवही बीच इन निज धाम, तो श्री देवचंद्र जी सुख पावही सो केता कहो इष्ठाम। देवचंद्र जी के अंदर विराजमान कौन है, युगल स्वरूप राज्य श्यामा जी। अब राज्य श्यामा जी को युगल स्वरूप को सुख कब होता है, पैसा देने पे? नहीं, कोई नया साथी अगर आता है अर्थात कोई नई जागनी होती है तो उसमें देवचंद्र जी को सबसे अधिक प्रसन्नता होती है। कहते हैं कोई नए साथी को लिया वहीं समझाए के दिन में, तीन ऊपर राजी हो वहीं क्या नेकी करो इनसे। जो किसी को राज्य के बारे में बता करके, परमधाम के बारे में बता करके देवचंद्र जी तक पहुंचाता था, उनसे श्री देवचंद्र जी बहुत अधिक प्रसन्न होते थे और सोचते थे कि मैं इनका क्या भला करूं कि ये एक ब्रह्मात्मा को मेरे पास लेकर के आई है। क्योंकि राज जी क्या कहते हैं, रहना सकूं मैं रूह बिना है कि नहीं। तो अब देवचंद्र जी को उस कार्य से प्रसन्नता होती है। इस प्रसंग से हमें क्या सीखना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा कि जब हम किसी को राज्य से जोड़ते हैं, राज्य की बातों से जोड़ते हैं, तो राज्य सबसे अधिक उससे खुश होते हैं। हम कहीं भंडारे करा रहे हैं, 50,000 रुपये रसोई की सेवा में दे रहे हैं, तो राज्य उससे खुश होने वाले नहीं हैं। राज्य को यदि खुश करना है तो हमें जागनी में अपना योगदान देना है। मैं खाने खिलाने का विरोधी नहीं हूँ, पर खिलाना कितना, देखिए
जैसे मान लीजिए कि कहीं पर कोई कार्यक्रम होता है, तो उस कार्यक्रम में सुंदर सात के आने का उद्देश्य अच्छे अच्छे व्यंजन खाना नहीं होता है। सुंदर सात का उद्देश्य क्या होता है कि साल में एक बार तो कार्यक्रम होता है, वाणी की चर्चा सुनने को मिले, परमधाम का कुछ तो हमें मिले, ऐसे आत्मिक लाभ लेने के लिए सुंदर सात आते हैं। हाँ, कुछ लोग बाहरी भी होते हैं जिनको ये होता है कि चलो भंडारा लग रहा है, जाते हैं हलवा मिलेगा, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। पर सुंदर सात इतनी दूर से हजार दो हजार की टिकट खर्च करके, इतना समय लगा करके केवल खाने के लिए तो नहीं आते, वो आते हैं आत्मिक सुख के लिए। तो उसमें भोजन तो होना चाहिए, भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आप अगर भूखे यहाँ पर बैठे होते, पेट में चूहे दौड़ रहे होते, तो मेरी चर्चा में आपका ध्यान नहीं होता, आपका ध्यान होता कि कब महामती वाली चौपाई दोहराएं और हम यहाँ से जा करके खा लें, या फिर कब प्रसाद बटेगा कि कुछ भूख मिटेगी, ऐसा होता। तो भोजन की आवश्यकता है, पर उसमें बहुत अधिक खर्चा न किया जाए। सामान्य भोजन जिसमें बहुत अधिक व्यंजन बनाने की आवश्यकता नहीं है, दाल रोटी सब्जी चावल हो, मान लो अगर किसी का बहुत ज़्यादा भाव है सेवा करने का, तो एक किसी एक प्रकार की मिठाई हो तो चल जाता है। लेकिन कहीं कहीं पर भोजन के नाम पर इतना खर्चा किया जाता है आध्यात्मिक धार्मिक कार्यक्रमों में, जितना कि शादी की बुफे में भी नहीं होता है। तो ये क्या है, ये सुंदर साथ की सेवा के पैसे की बर्बादी है। यदि उसी पैसे को हम धर्म प्रचार में लगाएं, साहित्य प्रकाशन में लगाएं, ठीक है, ब्रह्मवाणी को प्रचार करने में लगाएं, तो उससे जागनी का कार्य होगा, वास्तव में राज्य उससे प्रसन्न होंगे। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि कोई नए साथी को लिया, वहीं जो नया कोई सुंदर साथ लेके आता था, उससे राज्य बहुत खुश होते हैं। अब क्या कहते हैं, दिल में साथ आवन का करे मनोरथ मन। देवचंद्र जी के मन में हमेशा क्या होता है कि सुंदर साथ आ जाए, और जो सुंदर साथ आए उनको आदर पूर्वक परम धाम की ब्रह्म सृष्टि के भाव से वो चर्चा सुनाते हैं। कहते इन भोम में देखिया साथ धनी श्री धाम। सुंदर साथ को क्या देखते हैं कि सुंदर साथ राज्य का ही स्वरूप है। हम सेवा करते हैं तो हमारे मन में ये भाव कभी नहीं आता कि सुंदर साथ राज्य का स्वरूप है। हम सेवा करते हैं तो ये देख करके करते हैं कि यदि हमारे गांव की तरफ से आया है, हमारे नज़दीकी है, हमारे रिश्तेदारी में है, तो हम थोड़ा ध्यान देते हैं, थोड़ा अटेंशन देते हैं। और फिर अगर कोई थोड़ा अनजान दिख रहा है तो सोचते हैं कि अरे कोई और देख लेगा, हमें क्या लेना देना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सुंदर साथ के हृदय में राज्य विराजमान है, इस भाव से हमें सेवा करनी चाहिए। और कहते हैं इन भोम में देखिया साथ धनी श्री धाम, कौन व्रत इनसो करूं पूरो मनोरथ काम, कि मैं इनका ऐसा कौन सा काम कर दूं, मैं इनके साथ ऐसा क्या वर्ताव करूं, ऐसा क्या अच्छा करूं कि इनके मन की इच्छा पूरी हो। इनको राजे भेजिया देव धाम न्यामत, राज जी ने इनको मेरे पास क्यों भेजा है कि मैं इन्हें परम धाम की न्यामत, परम धाम का खजाना दूँ, ज्ञान का खजाना दूँ, और इनको किस तरह से परम धाम का सुख मिले अब मैं वही कार्य करूँ। ए कौन भांत सुख पावही सोई करो में इत, ए श्री धाम से आए खेल माया का देखन, इनको खबर कछु नहीं पर मैं पहचानत सहियन। ये सब जो सुंदर साथ हैं वे परम धाम से माया का खेल देखने आए हैं, इन्हें तो पता नहीं है पर मुझे तो पता है। इंद्रावती जी हम सब सुंदर साथ को कहते हैं कि आप कहियो अपने साथ को जो तुझे खुले वचन, शुद्ध तो नहीं कछु साथ को पर तो भी अपने सजन। जो आपको राज्य की कृपा से थोड़ी बहुत शुद्ध है, थोड़ा बहुत समझ है वाणी की, तो वो आप सुंदर साथ तक पहुँचाएं, ये आपका कर्तव्य है। क्योंकि सुंदर साथ तो माया में पड़े हुए हैं, और जो माया में पड़े हुए हैं वो परवश हैं। ए पड़े माया मिने होए गए परवश, ये माया में दूसरे के वशीभूत हैं पर आप नहीं हैं। यदि आप जागृत हुए हैं तो आपका कर्तव्य है इन्हें जगाने का, और ये जो यश है सुंदर साथ को जगाने का, आज उसको लेने का अधिकारी हर कोई है। जागने का जो यश है, पर उसको अधिकारी बनने के लिए पहले वो कर्तव्य पालन करना पड़ता है।
देवचंद्र जी कहते हैं, मैं बाहर निकसों ढूंढ के काढ़ूं साथ। यदि राज्य की आज्ञा होती तो मैं बाहर निकलता, सुंदर साथ को ढूंढ ढूंढ करके माया से निकलता, पर धामधनी ने इन्हें मेरे पास पहुंचाया है और इनका हाथ पकड़ाया है। इनका हाथ पकड़ाने का तात्पर्य सुंदर साथ की जिम्मेदारी अब मेरी है, तो इनको जगाना है, और इनको जगाने के लिए तो यह मेहनत मोको करनी जरूर, तिस वास्ते साथ के आगे चर्चा का चलावे पूर। देवचंद्र जी जो चर्चा निरंतर करते हैं, अथक चर्चा, अथक मतलब बिना थके चर्चा करते रहते हैं, इसका कारण क्या है कि उनके मन में यही भाव है कि सुंदर साथ को जगाना है, इसलिए वो चर्चा का प्रवाह चलाते हैं, एक के बाद एक चर्चा करते रहते हैं। और नित्याने चर्चा होते है सो केती कहो बीतक, एक दिन नहीं प्रतिदिन चर्चा होती है, उसका वर्णन कहाँ तक किया जाए। और हमेशा साथ रहे नज़र में आज्ञा दई मोहे हक, देवचंद्र जी की नज़र में हमेशा सुंदर साथ रहते हैं, हर काम करते हुए उनके मन में होता है कि सुंदर साथ के लिए मुझे ये करना है, सुंदर साथ के को मुझे ये देना है। और आज्ञा दई मोहे हक, मुझे राज्य ने ये आदेश दिया है कि ल्याओ बुलाए तुम रुवल्ला, तो इनको बुला करके लाने का, उनको राज्य से जोड़ने का, परम धाम ले चलने का कर्तव्य मेरा है। इस भाव से श्री देवचंद्र जी चर्चा करते हैं। अब इस तरह से चर्चा करते करते किस तरह से आड़ी का लीलाएँ होती है, चमत्कारी लीलाएँ होती है, कैसे श्री मिहिर राज जी के घर तक बात पहुंचती है, ऐसी कौन सी चमत्कारी लीला होती है जिनकी खबर मिहिर राज जी के घर पर पहुंचती है, कैसे मिहिर राज जी देवचंद्र जी के पास आते हैं, कैसे देवचंद्र जी मिहिर राज जी की आत्मा को पहचानते हैं, और फिर किस तरह से अब मिहिर राज जी की जागनी यात्रा प्रारंभ होती है, ये सारी चर्चा सुनेंगे हम कल। अभी के लिए समय पूरा होता है, चौपाई दोहरा लीजिए। नित्याने चर्चा होत है सो केती कहो बीतक, साथ रहे नजर में आज्ञा दई मोहे हक, आज्ञा दई मोहे हक। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु महाराज, प्रणाम जी।